अरे रजिस्टर खराब कहीं नहीं होगा, पास में एक रफ पेपर रखें मैथ के अंदर, ठीक है, अपने रजिस्टर के पास पास में एक रफ पेपर रखें। तो सर हमारा रजिस्टर ही रफ जैसा ही है। ठीक है, आप रफ रखने की बात करते हो, थोड़ा सा व्यवस्थित नोट्स बनाना है, ज़्यादा व्यवस्थित भी बनाने की आवश्यकता नहीं है कि तीन तीन चार चार पेन चेंज करें। पहले तो एक पेन यहाँ रखते हैं, उसके बाद में दूसरा पेन ये अलग पेन से, फिर ए अनुपात बी ये अलग पेन से, फिर ये भी अलग पेन से, फिर इसको काटने का तरीका भी अलग पेन से, इसको काटा लाल पेन से, इसको ग्रीन से, ठीक है, फिर आंसर भी तो रंग बिरंगा आता है, ठीक है, आंसर भी तो फिर रंग बिरंगा आता है ना। तो आराम से, अरे नोट्स अपने लिए बनाने हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, सिलेबस चेंज हो जाएगा फिर। अब पहले किसी ने नोट्स बनाए होंगे तो और सिलेबस चेंज हो गया, और पता नहीं अपने समय तो और भी क्या पता सिलेबस और चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्थित बना के रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए और वापस आपका रिविजन हो सके ऐसे बनाने हैं, ठीक है। बट अलग पेन से तो क्वेश्चन लिखेंगे, फिर अलग पेन से डाटा लिखेंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।